आपको आज मैं दिखा ही देती हूँ अपना ससुराल का होम टूर। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार, जय धर्मी। सब लोग सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि आप लोग को मैं अपना ससुराल का होम टूर दिखाऊं, लेकिन मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। दोस्तों, अभी शाम का 5 बज रहा है, लेकिन और लाइट का भी बहुत दिक्कत होता है गाँव में, इसीलिए मैं नहीं दिखा पा रही दोस्तों। लेकिन अभी फ़िलहाल लाइट है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को मैं अपना ससुराल का होम टूर दिखा दूँ। वैसा खास घर नहीं है, लेकिन भी प्यारा सा घर है मेरे लिए। जैसे भी है, अच्छा है दोस्तों। तो चलिए, आप लोग आज मैं दिखा ही देती हूँ अपना ससुराल का होम टूर। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं फ़िलहाल बाहर निकल चुकी हूँ, क्योंकि मौसम भी साफ़ किया हुआ है। तो मैं सोची कि बाहर निकल के आप लोग को बाहर से नज़ारा दिखाते हुए जाऊँगी। तो चलिए, ब्लॉग में बने रहिए, दिखाती हूँ थोड़ा सा। जब मैं मायके से आती हूँ तो ए वाला रास्ता से आती हूँ दोस्तों, और इधर मैं दिखाती हूँ, इधर से जाते हैं। अभी ये स्कूल से आ रही है। कितना बजे छुट्टी हुआ स्वाति? 3 बजे। हाय बोल दो। हाय। ये मेरी ननद जी लगेगी। इधर से जाते हैं दोस्तों, उधर अखड़ा है, पास में ही अखड़ा है। इधर बड़ी सास का घर है और उधर मझली सास का, और बाकी सारा लोग का बिल्डिंग बन रहा है अभी फिलहाल। ये पुराना घर, इधर से रास्ता है। चलिए, मैं ले जाती हूँ आप लोग को। ये रहा बीच का आंगन, जो कि ये मेरे छोटे दादू दादा ससुर जी उनका ये वाला घर है। आप लोग देख सकते हैं ये वाला घर, और ससुर और दादी सास है ये है, और ये वाला मेरा घर है दोस्तों, यानी मेरा ससुराल घर। तो चलिए, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, मेन ये दरवाज़ा है। तो दिखाते हुए जाती हूँ आप लोगों को दोस्तों। ये रहा, यहाँ देख सकते हैं चिंगना मुर्गी घुसता है, और ये यहाँ पे कोयला रखा गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड, जो कि मेरे हस्बैंड जी पहले पढ़ाते थे, कोचिंग ट्यूशन पढ़ाते थे सारे बच्चे लोग को। तो अभी भी बोर्ड लगा हुआ है। और इधर आप लोग देख सकते हैं ये साइकिल है, यहाँ गाड़ी था तो मेरे देवर जी ले गए हैं खाद लाने के लिए। और इधर से चलिए आप लोग को मैं दिखाते हुए जा रही हूँ दोस्तों। ये रहा एक तरह से हॉल, यहाँ पर कुर्सी लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है। अगर आप लोग भी आइएगा तो मैं यहीं पे बैठाऊंगी आप लोग को। यहाँ पे टीवी लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ टाइम पास करते हैं, यहाँ बैठ के खाना पीना वगैरह खाते हैं। एक रूम हो गया, और इधर से मैं ले जाती हूँ। देखते हैं, ये पर्दा लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरा भगना जी यहाँ पर रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। ये भगना का रूम है दोस्तों, इधर कपड़ा वगैरह लगा हुआ है, इस तरह से है, वो चटाई है। ये भगना का रूम मैं दिखा दी, अभी कोचिंग गया है, कॉलेज से कोचिंग जाता है। और इधर आप लोग देख सकते हैं, ये रहा कोठा घर, जिसको बीच वाला घर बोलते हैं हम लोग। इधर बक्सा वगैरह है, जैसे तैसे है, इसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन मैं होम टूर करा दे रही हूँ। इधर खाने को चावल वगैरह है, इस तरह से है कोठा घर। अब कोठा घर से मैं निकलती हूँ दोस्तों। इधर चलिए, और इधर आप लोग देख सकते हैं, ये रहा, थोड़ा सा मैं लाइट जलाती हूँ। इधर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा छोटा सा किचन, जो कि कुछ कुछ सामान वगैरह मैं ही रखी हूँ। और इधर गैस चूल्हा सिलेंडर है, इधर बर्तन रखने का स्टैंड है, इधर पानी रखने वाला, और यहाँ पे लाइट नहीं है दोस्तों। इधर बर्तन वगैरह है, पानी वगैरह है। और इधर मैं दिखाती हूँ, ये रहा मेरा देवर जी का रूम, इधर देख सकते हैं, उधर कुर्सी लगा हुआ है, ये देवर जी का रूम है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से मैं वापस जा रही हूँ दोस्तों, और ये रहा रूम, जो कि ये मेरा रूम रहा। खोलती हूँ थोड़ा सा, इधर आप लोग देख सकते हैं बक्सा वगैरह है, और ये रहा मेरा रूम, आप लोग देख सकते हैं। मेरे हस्बैंड जी अभी नहीं है, ड्यूटी में हैं, वो आएंगे तो आप लोग को जरूर से मैं मिलाऊंगी। ये रहा, और यहाँ पे मैं आईना देखती हूँ, ये ड्रेसिंग आईना है। और यहाँ पे देख सकते हैं गोदरेज है, कूलर है। फिर से मैं वापस जा रही हूँ दोस्तों, और इधर आप लोग देख सकते हैं बाहर का नज़ारा।
ये पीछे पीछे साइड वाला रूम है, ये पीछे साइड वाला दरवाज़ा है दोस्तों, जो कि इधर मक्के वगैरह लगा हुआ है और इधर बर्तन धोने के लिए बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं टेम्प्रोरी के लिए बनाया गया है दोस्तों, जो कि सरकारी वाला पानी आता है यहाँ पे। और ये रहा जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ, आज भी बृहस्पतिवार का दिन था जो कि पूजा किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये सरना झंडा है, मेरे ससुराल में भी सरना झंडा लिए हुए हैं, मेरे मायके में भी। और बाहर का नज़ारा इस तरह से है, आप लोग देख सकते हैं मौसम भी बनाया हुआ है पूरा पानी आने जैसा। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा ये बाथरूम रहा, जो कि मेरी भगनी अभी धोवा रही है। और वाशिंग मशीन लगाया गया है दोस्तों, मेरे हस्बैंड जी लगा दिए, मैं कपड़ा उसी में धोती हूँ, मेरे को कपड़ा धोना पसंद नहीं है इसीलिए। और इधर आप लोग देख सकते हैं लेटरिंग वाला बाथरूम है, इसको छोड़िए। इस तरह से मैं सारा दिखा दी अपना होम टू, बाहर से इस तरह से घर दिखता है दोस्तों, कपड़ा का घर है। आप लोग देख सकते हैं अभी मैं कपड़ा फैलाई हूँ इधर, देखिए वहाँ कोना से लेके वहाँ तक है, एल्बेस्टर दिख रहा है वहाँ तक, उधर दादा ससुर जी का घर है। ये पीछे साइड का दरवाज़ा है दोस्तों, बाहर उधर निकलना घुसना होता है, लेकिन ज़्यादा हम लोग इधर यूज करते हैं क्योंकि इधर सारा चीज़ है, इसीलिए उधर बस कहीं जाते हैं तो जाते हैं वो वाला रास्ता से, वो वाला दरवाज़ा से, तो इस तरह से। चलिए दोस्तों आज मैं अपना ससुराल घर का होम टूर में दिखा दी दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मेरा वैसा घर नहीं है, खपड़ा का घर ही है दोस्तों, लेकिन प्यारा है, जैसा भी है अच्छा है दोस्तों। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं ज़रूर से एक दिन घर बनाऊँगी, तो आप लोग देखिएगा दोस्तों। ज़्यादा मैं क्या बोलूँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, बाय बाय दोस्तों।